तुम थक गए ना? नहीं तो? मैं तो थक गई, तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाऊं? कशी पूरी आएगा? सीता! मैं वहां नहीं बैठूंगा, वो लड़की अजीब हरकतें कर रही है। क्या किया उसने? वो ना, वो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और कहीं नहीं। कहाँ बैठोगे? मेरी गोद में बैठोगे? आओ बैठो यहाँ। मेरा वजन कैसे झेलोगी? तो जाओ एक सीट लेकर आओ, जाओ यहाँ पर मेरे पास रख देना, ओके? कंडक्टर साहब, सीता के पास बैठना है, एक सीट चाहिए। ये सीट चाहिए? ले लो, निकाल कर ले लो। शुक्रिया। ले लो। ये क्या किया? What is this? आपके पास बैठने के लिए सीट उखाड़ दी मैडम। तुमने बस की सीट निकाल दी? तुम्हारे कहने पे किया ना सीता। इनकी बस का गियर उखाड़ने को कहूंगी तो उखाड़ दोगे? तो फिर जाओ। उखाड़ेगा, उखाड़ेगा, उखाड़ दो। मैडम मैडम, पागल आदमी है, ये कर देगा। मैडम मैडम रोकिए उसे, मैडम रोकिए उसे, मैडम प्लीज मैडम, मैडम मैडम। लाइट्स। चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? जब गई थी तब तो ठीक थी। एयर कंडीशनिंग। रोड से आई हो क्या? अरे हाँ बाबा। और ये कुतुब मीनार कौन है? यही वो पागल है जिसके नाम पापा ने जायदाद कर दिया है। सेंस नहीं है, इससे पेपर्स पर साइन करवाऊंगी और रास्ते पर छोड़ दूंगी। बैंक जाने का इंतजाम करो, मुझे सारे पैसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने हैं। तुम इसे जल्दी रेडी करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। बोलो। 5:48 खत्म हो जाएंगे, सीता को अरेस्ट कर लूंगा। और अगर उसने तब तक पैसे वापस कर दिए तो? फिर गेम खत्म। अभी तो गेम शुरू हुआ है, कैसे भी उसे पैसे लौटाने से रोकना होगा। मुझे क्या करना है ये बताइए। जो करना है अब मैं करूंगा, तुम 5 बजे तैयार रहना। ओके सर। तुम बस कानून का पालन करो, इडियट। आज तक कानून की धज्जियां उड़ाने वाला दूसरों को कानून का पालन करने का ज्ञान दे रहा है। आपके ताने सुन सुन कर सुइसाइड कर लूंगा एक दिन जय बाबू। ए, कम कम, जल्दी चक्रम, तुम दोनों यही रुको, मैं अभी आती हूँ। सीता okay. मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। चुपचाप बाहर वेट करो। सीता मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाऊंगा। मेरी बॉस तुम्हारे टाइम पास के लिए है। मैडम आप जाइए, मैं इसे देख रहा हूँ। चेक करो। या बैठो, तुम्हें एक सॉलिड काम देता हूँ, गिनो इन्हें। मैंने तुम्हें तुक्का मारने को नहीं कहा है, गिनने को कहा है। मैंने कहा ना गिन लिया। ठीक है, मैं इन्हें गिनूंगा, और अगर 97 नहीं हुए ना। अरे आप गिन लो ना, 97 है। 95, 96, 97। आंखें बंद करो, खोलो, अब फिर से गिनो। पूरे 92 है। 97 में से मैंने 5 निकाले तो? बाप रे, तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम जरूर किसी मकसद से यहाँ पर आए हो। बताओ क्या करने आए हो? अंकल ने कहा सीता का ख्याल रखो। तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आपके पिताजी के जिस अकाउंट में 150 करोड़ है वो हमें फ्रीज रखना पड़ेगा। डैड ने पैसे राम के नाम किया है ना, वो साइन कर देगा। आप पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इतना आसान नहीं है मैम। अगर आपको अपने पिताजी के अकाउंट से पैसे रघुराम के अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं तो आपको वसीयत के प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, फिर लीगल डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। राम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद जो चाहे करें, पर फिलहाल आपको किसी अच्छे वकील की जरूरत okay. है। कुछ पैसे अर्जेंटली चाहिए। आप 25 करोड़ ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी गारंटी राम दे देगा, तब तक मैं बाकी पेपर वर्क करवाती हूँ। राम गारंटी तो तब देगा ना जब उसके अकाउंट में कुछ भी होगा। मैडम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। 150 करोड़ है उस अकाउंट में, 25 करोड़ नहीं दे सकते हैं। 1 रुपया भी नहीं दे सकता। थैंक्स। ड्राइवर। हो गया? कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा ये आसान होगा इसलिए इसको झेलती आई हूँ, लेकिन मामला उलट चुका है। एक लॉयर के साथ सारे कागजात तैयार करवाने पड़ेंगे। उफ, चलो। अच्छा, उस इंस्पेक्टर का फोन आया था, उसने कहा अगर आपने 5 बजे तक चंदूलाल के पैसे नहीं लौटाए तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा। सीता डरती नहीं है, डर आती है। 5 बजे तक का टाइम है, 4 बजे तक उसको दिखा दूंगी।